Hello everyone, this is Navneet Pandey. Again, welcome you all in my channel, Learn English with Flint. So friends, so sorry, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा, लेकिन फिर से अब मैं रेडी हूँ, अब आपके सामने फिर से मैं वीडियोस लाऊंगा और बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को शेयर करूँगा. तो चलिए, आज हम लोग जो वीडियो पढ़ने वाले हैं, जो वीडियो से पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ है आस्किंग फॉर परमिशन. सो आस्किंग फॉर परमिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये प्रोनंसिएशन यहाँ से ये बहुत मैटर करता है. बहुत लोग इसको कहते हैं परमिशन, तो ये परमिशन नहीं है, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं परमिशन. और यहाँ से अगर पी ई आर हटा भी दिया जाए तो बचता क्या है, एम आई डबल एस आई ओ एम. इसको भी बहुत लोग मिशन कहते हैं, ये मिशन नहीं है, ये है मिशन. ओके, सो यहाँ पे श का साउंड आता है, न कि स का. सो इट इज परमिशन. ओके, सो नाउ देखिएगा, आस्किंग फॉर परमिशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, कभी क्या, मोस्ट प्रोबेबली आपने यही देखा होगा, कहीं भी आप जाते हैं हमेशा आपको किसी न किसी से परमिशन लेना ही पड़ता है. आप किसी क्लास में जाते हैं, क्लास में जाते समय पेरेंट से कोई चीज़ मतलब जैसे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए कहते हैं कि क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं दोस्त से मिलने जाऊं, क्या मैं सिनेमा देखने जाऊं. तो हर जगह आप परमिशन लेते हैं ना. सो बेसिकली हमारे सोसाइटी में एक वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे क्लास में आना है, सो 90% बच्चा एक ही चीज़ बोलता है. क्या बोलता है, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर. सो आज हम लोग वही जानने जा रहे हैं कि मे आई के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं कि नहीं इंग्लिश में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, सो देखिएगा, पहला यहाँ पे क्या है, जैसा हम लोगों का तकिया कलाम बन चुका है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई के 100%. तो पहला आप क्या कह सकते हैं, मे आई कम इन सर, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी बोल सकते हो, लेकिन वही चीज़ बार 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 बोलना तो अच्छा नहीं लगता. तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्या है, दूसरा है कैन आई कम इन. सो कैन आई कम इन, कैन आई कम इन सर, आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि कैन जो होता है वो अपने आप में इम्पोलाइट माना जाता है, रूड माना जाता है. ठीक है, सो कैन आई कम इन आप अपने से जूनियर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए कैन आई कम इन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कैन जो होता है, मैं मॉडल वर्ब के यूज़ में बता चुका हूँ कि कैन आपकी हमेशा स्ट्रेंथ दिखाता है. इसलिए यहाँ पे आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखाना है. ठीक है, जैसे आप क्लास के टीचर हो तो आप बच्चों को कैन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप बच्चे हो तो टीचर के सामने आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे कुड आई. सो आप मे आई कम इन जैसे बोलते हैं, वैसे ही कैन आई कम इन, और वैसे ही आप कुड आई कम इन भी बोल सकते हैं. जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जाना सकते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं दोस्त के साथ, तो आप क्या कह सकते हैं, कुड आई गो विथ मिस्टर धाकड़. Yes, so this way you can use could I. Could I का use भी आसानी से कर सकते हैं. Next देखिएगा, could I की जगह आप should I भी use कर सकते हैं. Should I go with Mr. Kuber Dhakar? Should I come in? Should I dance? जो भी चीज़, जहाँ भी आपको permission चाहिए, you can seek permission by this. Okay? Next one देखिएगा, might I. बेसिकली बहुत लोगों को ये, क्योंकि सुने नहीं है, awkward लगता है कि might I come in कैसे बोलें, बट येस माई फ्रेंड्स, आप लोग माइट आई कम इन भी बोल सकते हैं, माइट आई गो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्पोकन में. ठीक है, ये भी आप परमिशन इस तरीके से भी ले सकते हो. नेक्स्ट देखिएगा, शैल आई. आप शैल आई का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शैल भी परमिशन का सेंस देता है. जैसे शैल आई कम इन, शैल आई गो आउट, शैल आई डांस, शैल आई टीच. सो इस तरीके से आप यहाँ पे शैल आई का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, मस्ट आई. सो मस्ट आई कम इन, यहाँ पे देखिए मस्ट जो होता है थोड़ा श्योरिटी दिखाता है, लेकिन लोग मस्ट को भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इम्पोलाइट वर्ड है. सो बेसिकली जहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल की बात हो वहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन मस्ट आई कम इन भी लोग बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वुड आई कम इन. सो वुड आई कम इन ये भी चल जाएगा, आप कहीं भी जाके कह सकते हैं वुड आई कम इन सर, वुड आई गो आउट सर. और वुड ही नहीं, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि विल आई कम इन सर, विल आई गो आउट सर. सो इस तरीके से ये इतने तरीके हैं, आप आराम से कहीं भी किसी के सामने परमिशन ले सकते हैं. ठीक है,
बस इन वर्ड्स में केवल प्लीज वर्ड लगा देना इन वर्ड्स को और बहुत बड़ा मीनिंगफुल बना देता है. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मे आई प्लीज कम इन सर. देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस, मे आई कम इन सर, मे आई प्लीज कम इन सर. सो प्लीज लगाने से कोई भी चीज और पोलाइट हो जाती है, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं. वैसे ही कैन आई प्लीज कम इन सर, कुड आई प्लीज कम इन सर, शुड आई प्लीज कम इन सर, माइट आई प्लीज कम इन सर, शैल आई प्लीज कम इन सर, मस्ट आई प्लीज कम इन सर, वुड आई प्लीज कम इन सर, विल आई प्लीज कम इन सर. सो इस तरीके से आप आराम से इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं जब भी आपको कहीं भी किसी के सामने परमिशन लेना है. ओके अब देखिए यहाँ पे ये तो रही पहली बात. कभी कभी क्या होता है, आप भाई उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको परमिशन देना है. आप टीचर हो, आपका बच्चा आपसे क्लास में कह रहा है कि सर मे आई कम इन योर क्लास, मे आई अटेंड योर वैलेबल क्लास, तो आपको वहां पे क्या बोलना चाहिए. बेसिकली टीचर बोलते हैं यस यस प्लीज कम इन. यस, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग लेके आए हैं. आप इन वर्ड्स को भी आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं. देखिएगा सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि सर मे आई कम इन योर क्लास, 100% आप कह सकते हैं यस नो इशू. ओके सो यस प्लीज कम इन, इतना कह सकते हैं आप. दूसरा देखिएगा, दूसरा ऑफ कोर्स यू कैन, यस नो. सो ऑफ कोर्स भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें. नेक्स्ट देखिएगा, अगर कोई आपसे कह रहा है मे आई कम इन सर, तो आप उसको कह सकते हैं मोस्ट वेलकम. सो मोस्ट वेलकम भी बोलना अपने आप में क्या होता है, इट शोज दैट यू आर हैप्पी टू दैट पर्सन. Means you are happy to see that person in your class. This is how you can use most welcome as well. Okay? And next one, please come in. Of course, if somebody is saying, may I come in, sir? Usually people say, please come in. So of course, you can use this word also. Next one is, be my guest. If somebody is saying, sir, may I come in your class? Can I come in your class? Could I come in your class? So you can easily say, please be my guest. So be my guest is also a formal way. Easily you can use this word also. Next word. Next you can use, sure, go ahead. Means if somebody is saying, may I go to dance? So at that time you can use, sure, go ahead. If somebody is saying, may I come in your class? Sure, go ahead. This is how you can use sure, go ahead also. Okay? And next one, certainly, definitely. Okay? It is synonyms of definitely. So don't worry. Either you can use definitely or you can use certainly. You can use both the words. No issues. So certainly bhi aasani se aap yahan pe use kar sakte hain. Next one dekhiyega. By all means, if somebody is saying, may I come in, sir? This answer can be appropriate. By all means, no issue, most welcome in my class. And next one is there, feel free. Feel free means what? Means sometimes people say to others, like, feel free to ask questions, feel free to come in my class, feel free to do anything. This is how you give permission to somebody. Okay, so may I come in, sir? Feel free to come in the class. इस तरीके से आप ये सारे वर्ड्स आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं. ओके सो ये पूरा आज का वीडियो था हमारा आस्किंग फॉर परमिशन का सेंस. सो यहाँ पे हमने यही चीज देखा कि मे कैन कुड शुड माइट शैल मस्ट वुड विल, इन सारे के साथ हम परमिशन किसी से भी ले सकते हैं और ये हैं हमारे आंसर्स. सो इस तरीके से अब मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. अब आज के वीडियो में बस इतना ही. दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल. थैंक यू.